ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत होता बात करते हैं जा प्रेगनेंसी के। ब्रेक पर जाए से पहले हम एगो सवाल डॉक्टर साहब से पूछ ले रही हाँ, जो उनकी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बा। बहुत लोग के अंदर ये सवाल चलत हुई कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कैसे करे के चाहिए, कब तक करे के चाहिए। डॉक्टर साहब जी देखिए, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स के कोई मतलब कोई समय सीमा नहीं है। सबसे पहले बहुत कंफ्यूजन बा, केहू कहला कि ना 3 महीना तक शुरू के करे के चाहिए, बीच वाला 3 महीना छोड़ देवे के चाहिए, फिर अंतिम करे के चाहिए। ऐसे हम क्लियर कर चाहते हैं, वह हमहूँ कहे के चाहते हैं कि एक्चुअली ये दोनों पार्टनर के स्वेच्छा पे डिपेंड बा। क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेज होला तो बहुत ऐसी महिलाओं में जौन चिड़चिड़ापन रुआ कहता नहीं या चाहे ओकर उनका डिजायर जौन बा वो कम हो जाला जी कुछ महिला में। अच्छा, कुछ जोन महिला में बा कि वो डिज़ायर वैसे ही मतलब या तो कांस्टेंट रहला या थोड़ा इंक्रीज हो जाला। तो इट डिपेंड करेला कि दोनों पार्टनर और दोनों पार्टनर के मन में बहुत सारा सवाल आवत रहला जी कि अच्छा, क्योंकि अगर क्योंकि जानकारी बहुत कम रोचक रोचक विषय पर बात करें। कॉलर जुड़ल बनी। हेलो हेलो, हाँ जी, स्वागत बा हमारे टीवी में। आप नाम बताइए, कहाँ से बोलता नहीं सर? मेरा नाम मोहन है, मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ। मोहन जी, सवाल पूछिए अपन। सर जब मैं सो के उठता हूँ जी, सर कमर में बहुत दर्द होता है और ये पूरे टाइम तक रहता है, ये पूरा दिन दर्द रहता है सो के उठने के बाद। तो सर इलाज बताइए कुछ। नहीं, सो के उठता मतलब सेक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताते नहीं कि सेक्स कैला के बाद सुबह उठे नहीं या ऐसे जनरल हमेशा होता रहेगा कमर में दर्द? सर कभी कभार ही हुआ, ये जब से सर्दी पड़ने लगी जब से हो रहा है। ठीक बार, और सवाल हम डॉक्टर साहब के देते नहीं। जो कार्यक्रम बा सेक्स से जुड़ल बा, सेक्स संबंधित सवाल पर हमने के बातचीत करनी है। डॉक्टर साहब यहाँ के सवाल के जो। हाँ जी, मॉर्निंग स्टिफनेस जो कमर में ये कॉमनली जो भी अगर रिलैक्स अगर कम करता इंसान, अगर ज़्यादा ओकरा आराम ना मिलता तो उसे होता। और कभी कभी क्या होला कि जो मेडिकली या तो डिस्क में कोई ओकर स्पेस कम हो गई या कोई वजह से कोई ट्रॉमा भेल हो के कोई चोट लागल हो के ओहू से ओजी जो नर्व नर्व में ओकर दबाव हो जाला जेकरा चलते वो पेन रहला। जी जी, तो कॉमन प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिशियन से एकरा के यहां के कंसल्ट कर सकत हैं। जी जी, या फिर कॉमन प्रॉब्लम के बात करते हैं जा सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी जी, तो वो अब दोनों पार्टनर के स्वेच्छा तो आपस में जरूर एक दूसरे के मन में का सवाल बा वो जरूर एक दूसरे के सामने अपन बात करे के चाहिए। अच्छा, ओकरा बाद दोनों के आपस में डिज़ायर कि किकर कितना डिज़ायर बा इस चीज़ की भी बात होके के चाहिए। क्योंकि अंदर आत्मा से कोई मतलब अंदर कोई के डिजायर की बात मान लो। हाँ। दूर बात करने की सेक्स की इच्छा बढ़ भी सकेला, बढ़ भी कम भी हो सकेला। ठीक बा, लेकिन हमारा सवाल यहाँ ये बा कि जो 9 महीना के पीरियड बा वहाँ पर सेक्स मान लीजिए कि जिसे बच्चा बा रुआ बताने की बॉडी के पेट बाहर निकलल और ढंग के पोजीशन चेंज भइल तो उमे कैसे बचावे के चाहिए। हाँ, आगे ही जैसे कि बा कि जैसे स्वेच्छा डिजायर एक तो कि डिजायर हो गए जी, तो अब डिजायर जब हो गए तो दोनों के अगर डिजायर बा इंटरकोर्स खातिर एक दूसरे से संपर्क करे खातिर तो ओकरा में वहाँ के सेक्स इंटरकोर्स कर सकता नहीं जी, बट एज ए मतलब क्वाइटली मतलब जी, थोड़ा आरामदायक तरीके से जी, 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 और पोजीशनिंग मतलब थोड़ा थोड़ा धीरज रख के थोड़ा शांत से। डॉक्टर साहब एगो कॉलर लेते नहीं। हेलो, हाँ हेलो जी, नाम बताइए अपन कहाँ से बोलते नहीं। हाँ जी, मैं परवेश बोल रहा हूँ, बेसिकली मैं कलकत्ता से हूँ। जी परवेश जी, स्वागत बा हमारे टीवी में, अपन सवाल पूछें। हाँ एक्चुअली मैं एक फ्रेंड है जी जो बहुत सेक्स से रिलेटेड है, मतलब उसका हमेशा वो माइंड उसका रहता है कि हमेशा सेक्स 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 रहता है जी, तो उसके लिए कुछ इलाज है? हमेशा हमेशा सेक्स के लिए मन करता रहता है जी। हाँ जी डॉक्टर, जी देखिए बहुत आदमी में जैसे डिजायर जैसे कि बात भइला ओकरा में बहुत ज़्यादा होला, कोई चीज़ के भी डिजायर इंसान के इच्छा किसी कोनो चीज़ के अधिक हो सकेला, वही यानी यहाँ के अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा बा एकरा में। क्योंकि लोग सेक्स डिजायर जेकरा अंदर बा ओकरा के कम करे खातिर कोई परेशान ना होला, जेकरा में नहीं खे वो परेशान होला कि हमरा के अंदर सेक्स डिजायर होके। बट ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बा, अपने मन के अपने हिसाब से रुआ ओकरा के मॉड्यूलेट करी ओकरा के चेंज करी
कि जितना आवश्यकता होके उतना ही अपन मन के बढ़ावा जी देवे जी के जी चाहिए। एकरा में कोई मेडिसिन या कुछ वैसन कुछ यूज ना होला जी, कि ओकरा के कम कर दिया, क्योंकि जो चीज नेचुरली बा मतलब जो इनबिल्ट बा ओकरा के हो सकेला कि कहीं डाइवर्ट करी अच्छा जी, काम में लगा के, मतलब ओकरा के अपन डाइवर्स मतलब कहीं बिजी रखी कि वो चीज दिमाग में ना आवे। डॉक्टर साहब, सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम बात करते नहीं कि अगर महिला के जिसे पेट के पोजीशन हुआ पर, तो वो समय अगर मान लीजिए कि कैसे रुकाने की जी, सेक्स जी, का जैसे कि अब जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर वह तीन भाग में जैसे, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि पेट ना निकल रही और जो भी बा वो इन जो यूट्रस बा वो पेल्विक रीजन में ही होला। डॉक्टर साहब, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं, लगातार कॉल आवल बा हमने के कॉल लिहल जी। हेलो, हाँ हेलो सर, बोलिए। हाँ हाँ, नाम बताइए, अपन कहाँ से बोलते हैं? हम बोलते हैं आसाम, नॉर्थ लखीमपुर से, आसाम से सर। और नाम? हमारा नाम चंद्रिका शर्मा। हमारा मतलब चंद्रिका जी, हाँ जी जी, सवाल पूछिए अपन। हमारा सवाल बटे मतलब हमारे हाइड्रोसिन कुछ बढ़ रहा बटे सर जी, तो साउंड कम करते हैं। हाँ, हाइड्रोसिन बढ़ रहा बटे बाएं साइड के जी, तो ओकरा बारे में कुछ डॉक्टर साहब से हम जाने के चाहते हैं जे अगर कौन कैसे रुकावट हुई जी जी जी। डॉक्टर साहब और सवाल सुन लें, डॉक्टर साहब बताइए। हाँ जी, देखिए ये एक बहुत कॉमन भी कह सकी ने और जनरल पॉपुलेशन में हाइड्रोसिल के मतलब, हाइड्रोसिल मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड जोन बा इकट्ठा हो जाला, जोन बॉडी फ्लूइड बा वो इकट्ठा हो जाला अंडाशय के अंदर, मतलब जो टेस्टिस की कैविटी बा ओकरा अंदर। तो एक सिंपलेस्ट, क्योंकि अगर ये धीरे धीरे अगर इनिशियल स्टेज में तो थोड़ा मेडिसिनल बा है कि मेडिसिन से वो कम हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली अगर मेडिसिन से कम ना होता तो लास्टली एक सिंपल और ये होला ऑपरेट करके, मतलब ज़्यादा ओकरा में बहुत ज़्यादा इंट्रा ऑपरेटिव कोई ज़्यादा वो में इन्वॉल्व नहीं है ओकर प्रोसेस, बस सिंपल तरीका बा ओकरा से पानी जोन बा बाहर निकल जाला और जो लेयर बा ओकरा के चेंज मतलब ओकरा के मतलब फ्लूइड ओकरा में कलेक्शन ना होला जी जी, तो ओकरा ऑपरेट करके निकालल जा सकेला जी। डॉक्टर साहब रुवा का कह, हमरा के बहुत संक्षेप में बताई कि जो इन 9 महीना के पीरियड बा का 9 महीना तक सेक्स कइल जा सकेला या बीच में कबो ओकरा के ऐसा पीरियड बा जहां कह के कई बार डॉक्टर लोग मना कर लो कि ठीक है वो पीरियड में ना करे के चाहिए जी, जहां पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी बा लाइक जेकरा पहले मिसकैरेज हो चुकल बा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में पहले जानब, ओकरा बाद ए पर वापस है, पहले एगो कॉलर जुड़ल बानी। हेलो, हेलो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं राजेश बोल रहा हूँ पटना से। जी राजेश जी, स्वागत बा, सवाल पूछी। हाँ डॉक्टर साहब, एक समस्या बा कि जब हम अपन गर्लफ्रेंड के साथ से शारीरिक संबंध बनाईला जी, जल्दी गिर जाला और जगह चलते गर्लफ्रेंड हमारे संतुष्ट ना हो पावेली जी, और कहली कि हमें आउट चाहिए आउट चाहिए, जी जी जी। राहुल सवाल समझ में आ गई, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम पे पर कई बार बात भी डॉक्टर साहब संक्षेप में सवाल के जी। देखिए एकरा में रुआ सबसे पहले कंसंट्रेट सेक्स पे मत करी, अदर चीज़ पे कंसंट्रेट करी, उनका साथ है अदर चीज़ में इन्वॉल्व हो कि मतलब सेक्स से पहले जैसे फोर प्ले होला ओकरा में इन्वॉल्व हुई, वहाँ से बातें करी और अदर चीज़ में इन्वॉल्व हुई जरा चलते ड्यूरेशन खुद ब खुद इंक्रीज कर जी। डॉक्टर साहब तो हाँ, वो पीरियड पर 9 महीना में रो बताओ जी, वो पीरियड में जैसे तीन भाग में बांट दिए, तो सबसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस जोन बा और वो पेल्विक और पेल्विस में ही रहला, मतलब जी, पेट जी, में ना आवेला, तो वो दौरान मतलब क्वाइटली जैसे कि जो भी और पोजीशनिंग में कोई वो नहीं है, जो भी पार्टनर दोनों पार्टनर के कंफर्ट पोजीशन हो, बच्चा पे प्रेशर मत आवे। हाँ, बच्चा पे प्रेशर के उतना मतलब कि दोनों के कंफर्ट होके चाहिए, बच्चा तो अंदर बा वो अभी छोटा सा ओकरा में बहुत हार्ड कैविटी में रहला ओकरा में कोई चीज, मतलब पहला 3 महीना जी, के बाद पहला 3 महीने वहाँ के बट क्वाइटली हमेशा जी, मतलब एज ए कम्फर्टेबली दोनों पार्टनर कम्फर्ट होके जी जी। अच्छा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा वो एब्डोमेन के अंदर बच्चा जो ना आला, बट फिर भी एक तो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक और चेंजेस का होला कि डिजायर जो अनुभव है वो नॉर्मल हो जाला जी, जो पहले रहे प्रेगनेंसी के पहले वह डिज़ायर फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाला, क्योंकि अदर चेंजेस जैसे नौसिया जैसे उल्टी आवल, पेट में कभी कभी दर्द होखल, ब्रेस्ट में दर्द होखल या फिर थोड़ा सा मूड स्विंग टाइप के, तो ये सब सारा सिम्टम जो अनबा सेकेंड ट्राइमेस्टर में कम होखे लगेला, तो ऐसे कम होखला के कारण अदर चीज़ में
ध्यान जोन बा ज्यादे रही मतलब डिजायर ज्यादा रहे करे के चाहिए ना करे के जी करे के चाहिए करे के कोई कॉलर जुड़ल बानी हम कॉल ले ली। हेलो हेलो जी नाम बताइए अपन कहां से बोलते नहीं हम नीरज बोल रहे हैं जी नीरज जी स्वागत बराबर सवाल पूछे हम दिल्ली से बोल रहे हैं सर जी स्वागत बा सवाल पूछे सर ये मेरा सवाल है मैं सर ये चौथे महीने प्रेग्नेंट मेरी मिसेज है जी तो सर मैं प्रेग्नेंट में काफी वो बोलती है मेरे को सेक्स करने के लिए जी तो मैं उनके साथ मतलब कितना बार कर सकता हूँ जी अभी वह बात करते रहे कि अगर एक दूसरे अगर फीमेल के डिजायर बा तो मेल जोन बा वो कंफर्ट एज ए कंफर्ट पोजिशनिंग करके वो टाइम्स में तो कोई जितना टाइम्स यहाँ के अपना यूज कर सकी टाइम्स कर सकीले कोई वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट सेक्स वहाँ के कर सकी डॉक्टर साहब एक और हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट सवाल बा लोग सोचत हुई बात कि सेक्स के दौरान इजैकुलेशन होला सीमेन इजैकुलेट होला वो सीमेन को बच्चा के कोनो नुकसान पहुँचाई लोग के संदेह हो सकेला इस सवाल के जवाब लेब हमरा अभी एगो ब्रेक लेवे के पड़ी ब्रेक पर जात जात हम एगो और जोन बा इम्पोर्टेंट जरूरी जानकारी रुवा के देती कि ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साल्ज़बर्ग में रिसर्चर लोग ई दावा कैले बा कि अनचाही प्रेगनेंसी से बचल बेशक समझदारी कहलाई लेकिन अनचाही प्रेगनेंसी रोके वाली जोन गोली बा वो गोली खैला से महिला लोग के यादाश्त आ सामाजिक कौशल में बढ़ोतरी होला ऐसा दवा खैला के बाद दिमाग में मौजूद ग्रे मैटर के साइज बढ़ला के वजह से ई बात होला ए रिसर्च के अगुवाई करे वाली डॉक्टर बेलिंडा प्लेटजर के कहनाम बा कि गोली में मौजूद सेक्स हार्मोन महिला लोग के ब्रेन के काफ़ी प्रभावित करेला एकर महिला के बर्ताव पर भी असर देखल गई बा गोली महिला के ओ सब गुण के औरों निखार देला जे पुरुष के मुकाबले उनका में ज़्यादा बेहतर मात्रा में मौजूद बा ब्रेक के बाद प्रेगनेंसी में अभी बहुत कुछ बा बनल रहें हमारे साथ।